हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं हमारा एवन नायक जी यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप भी अपने जो यूट्यूब चैनल के वीडियोस हैं उनके व्यूज़ बढ़ाने के लिए अपने कम्युनिटी पोस्ट को फुल साइज में कैसे शेयर कर सकते हैं अपने सारे सब्सक्राइबरों के साथ। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, सारा कुछ आपके साथ आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि आप अपने कम्युनिटी पोस्ट को फुल साइज में कैसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग अगर शेयर करते तो कट सा जाता है और फुल साइज में नहीं आ पाता। तो सारा कुछ जानकारी आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर ली जाए कि वहाँ पर जब हम कम्युनिटी पोस्ट करते हैं तो वहाँ पर साइज फुल क्यों नहीं आ पाता। देखिए, रिक्वायरमेंट सभी जगह अलग अलग होती है। थंबनेल का साइज अलग बनाना पड़ता है और कम्युनिटी पोस्ट का साइज अलग बनाना, ये सिर्फ साइज का खेल है। साइज के आधार पर ही आप कम्युनिटी पोस्ट को फुल साइज में शेयर करेंगे और जो थंबनेल का साइज है वो कम्युनिटी पोस्ट के साइज से मैच नहीं होता। तो मैं दो तरीके से आपको आज बताने वाला हूँ, पहला तो मोबाइल से और दूसरा कंप्यूटर से। दोनों जगह आप समझ लीजिए कि किस किस तरीके से आपको कम्युनिटी पोस्ट के लिए अपना वॉलपेपर जो भी है आपको तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए पहले आप मोबाइल में देख लीजिए, उसके बाद में आपको कंप्यूटर में दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हैं। मैं आपको पिक्सआर्ट में बताने वाला हूँ आज का ये वीडियो कि आपको कैसे अपने कम्युनिटी पोस्ट पे फुल साइज का जो वॉलपेपर है आपको शेयर करना है। तो यहाँ पर आप प्लस के साइन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे आइए तो ये देखिए कलर बैकग्राउंड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो हमें साइज चाहिए वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हमें पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये जो साइज है यही लगेगा कम्युनिटी पोस्ट में। इसमें आपको क्या करना है, आप चाहे तो और कोई से भी कलर ले सकते हैं। देखिए हम चलिए ये कलर ले लेते हैं। इसके बाद आपको ऐड फोटो, देखिए नीचे यहाँ पर ऐड फोटो लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है और अपना जो वीडियो का थंबनेल है वो आपको यहाँ पर इस पर ऐड कर लेना है। ये ऐड हो गया, देखिए। इसके बाद आपको इसे बड़ा कर लेना है, ठीक है। ये बड़ा करके आपको यहाँ पर इसे चिपका लेना है, ठीक है। फिट कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से कि आपको कितना इसे फिट रखना है। देखिए ये फिट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर राइट के आइकन पर क्लिक करके इसे आपको सेव कर लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कलर ना होकर कोई आपके पास फ़ोटो हो जो कि आपके इसके बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे, तब यहाँ पर ऑल फोटोज़ पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप कोई भी फ़ोटो, जैसे हमने इसे ले लिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्रॉप करना होगा। इसका क्रॉप हमें साइज लेना होगा, देखिए यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली साइज बन जाएगा। स्क्वायर जब आपने लिया, इस पर हमने राइट क्लिक किया, इसके बाद आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि हमने लिया थंबनेल, इसके बाद इस तरीके से आप इसे ऐड कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। ये दो तरीके हैं, आप कस्टम साइज भी ले सकते हैं और अगर आप कोई वॉलपेपर लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो आप वो भी कर सकते हैं। इसे आप सेव कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इस तरीके से आप अपने कम्युनिटी पोस्ट को फुल साइज में शेयर कर सकते हैं अपने सारे सब्सक्राइबरों के साथ और अपने वीडियोस पर व्यू बिल्कुल आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो जो मैंने सॉफ्टवेयर बताया, आप जरूरी नहीं कि इनसे ही करें, आप दूसरे किसी भी सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हैं। सिर्फ आप साइज का ध्यान रखिए, आपको 4x4 या 1x1 का साइज आपको लेना है जो कि चारों तरफ से बराबर हो, ठीक है। इसके बाद ही आपको अपने जो थंबनेल है, वीडियो का थंबनेल है, उस वाले थंबनेल वॉलपेपर को अपने उस कम्युनिटी पोस्ट के साइज में आपको चिपकाना है। उसके बाद ही आप अपने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करेंगे तो बिल्कुल फुल साइज में आपका कम्युनिटी पोस्ट शेयर होगा। तो ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। कई लोग पूछते हैं कि फुल साइज में कैसे इसे शेयर करें या अपने सब्सक्राइबर को कैसे इसे बताएं, तो ये वीडियो भी मैंने आज आपके लिए बनाई स्पेशली, तो आपके साथ शेयर करना था। तो वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।